टॉपिक है ब्रायोफाइटा। जब हम ब्रायोफाइटा का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि ब्रायम का मतलब क्या होता है, ब्रायोफाइटा नाम क्यों रखा गया। सर मेरे मॉन्ट्रियल बच्चे, प्लांट। हाँ जी, ये कैसे बनेगा, ब्रायो प्लस फाइटा। ब्रायो प्लस फाइटा, ब्रायो का मतलब हुआ करता है ब्रायम। यानी मॉस, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो इसका ओवरऑल मतलब हो गया मॉस लाइक प्लांट। ये ब्रायोफाइटा का मतलब है। अब मेरे बच्चों, इनकी आगे की कहानी शुरू हो रही है डिटेल में। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, जैसे द टर्म ब्रायोफाइटा वॉज प्रपोज्ड बाय ब्राउन, बी आर ए यू एन। दूसरा, जैसे उधर एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी था, तो द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा कहलाती है ब्रायोलॉजी। तीसरी बात, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं हेडविग, लेकिन इनके नाम पे सहमति नहीं बनी, कुछ ने अपने अलग पिताजी बता दिए। ये वाली बात मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा स्टार पॉइंट डाल के। बट अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, इट इज बिलीव्ड दैट केवर्स CAVERS इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये हो गया। अब इंडियन बायोलॉजी अलग होती है, आप ये वाली बात जानते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन बताया था, प्रोफेसर प्रोफेसर शिवराम कश्यप। अब मैं इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स लूंगा, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे एल्गी के पढ़े थे, हर चीज के पढ़ते हैं, मैं ब्रायोफाइटा के ले रहा हूं, कोई डरने की बात नहीं। तो बेटे, सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि ये जो पौधे हैं ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड
प्लांट सबसे पहले बहुत बार पूछ लेते हैं. इट इज बिलीव्ड क्या दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट मतलब पानी के पौधे उनसे बने हैं एंड दे कम ऑन लैंड. ये भी बताया था कम ऑन लैंड थ्रू वॉटर. थ्रू वॉटर पानी के साथ बहते हुए ऊपर आ गए. ऐसा क्यों माना जाता है? मैं ये वाली बात यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज सम ब्रायोफाइट्स हैव क्या पाया जाता है उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू एक्वेटिक प्लांट. क्या चीज होगी वो? प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल. एयर कैनाल की वजह से माना जाता है ये उनसे ओरिजिनेट हुए. समझे? और भैया इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. दूसरा पॉइंट, अगला बड़ा खास वाला पॉइंट, दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. कहा जाता है बिकॉज दे नीड वॉटर या ऐसे लिखिए बिकॉज दे लिव इन सॉइल. बट need water for sexual reproduction. नहीं तो होगा नहीं. ठीक है. तीसरी बात है इनको सक्सेसफुल नहीं माना गया. तीसरा पॉइंट, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट. कारण मैं बता चुका हूं. एज वैस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट यानी जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं होते. ठीक है. एंड they need water for
फर्टिलाइजेशन। घरों के बाहर जो बड़े बड़े पौधे लगे रहते हैं उन्हें पानी की क्या जरूरत है, उनका तो पॉलन ग्रेन उसमें से निकलता है और हवा से उड़ता चला जाता है। बात समझ में आ गई? फॉर फर्टिलाइजेशन। और बच्चों एक और पॉइंट यहीं पे, ये वाला, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू दे कांट ग्रो वेरी टॉल। लंबे नहीं होते पौधे, वेरी टॉल। अगली बात, चौथी बात, अच्छी सी बात है। क्या नया शब्द दे रहा हूं ना इसलिए, ब्रायोफाइट्स आर साइओफाइट्स। क्या मतलब बताया था? दैट इज दे प्रेफर टू ग्रो कहां, इन मॉइस्ट यानी वेट एंड शेडी प्लेसेस। ये थोड़े से मैंने आपको इसके जनरल करेक्टर्स की जानकारी, अभी लाइफ साइकिल की भी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी कुछ बातें और बकाया रहती हैं जो मुझे आपको बताना है, क्लासिफिकेशन वगैरह बताना है मुझे। मेरे बच्चों, इनकी प्लांट बॉडी भी थैलस लाइक होती है। अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ये थैलस लाइक होती है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू तो है ही नहीं इनके अंदर, रूट्स आर एब्सेंट है, रूट की जगह राइजोइड है जो कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, ठीक है। तो दे आर ऑफन फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, फॉर्मिंग ग्रीन कारपेट्स और मैट्स ऑन डैम्प सॉइल, रॉक्स, वॉल्स, ट्री ट्रंक। बरसात के समय में जब आप अपने आसपास घरों की दीवारें, जमीन, मिट्टी हरी हरी सी होते हुए देखते हो, वो और कुछ नहीं है बल्कि मॉस है। समझ में आ गया मॉस क्या होता है? यस सर। हाँ जी, तो इसका मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, लेकिन दो चार करेक्टर मैं और बता रहा हूं। रूट्स आर एब्सेंट है, ओके। पांचवा करेक्ट, देयर प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, बैग लाइक, थैलस लाइक मतलब बैग लाइक। अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, किसी भी चीज से चिपकी हुई। किसके द्वारा? बाय यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर
रूट तो है नहीं, उनकी जगह क्या है? राइजोइड, RHIZOID, DS, राइजोइड्स के द्वारा ये चिपके रहते हैं। छठा पॉइंट है, दे लैक क्या? ट्रू रूट्स, स्टैम और लीव। ट्रू नहीं होते, रूट लाइक राइजोइड, शूट लाइक पोर्शन, लीव्स लाइक। दूसरे अगली बात, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। आपकी मेन बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। और हमारे जो स्पर्म है वो बनते हैं हैप्लॉइड। इसकी जो बॉडी है वो है हैप्लॉइड, ठीक है, एंड प्रोड्यूस गैमीट्स। गैमीट्स हैंस, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट, कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। इनकी बॉडी गैमीटोफाइट होती है। अगर स्पोर बनाती तो वो स्पोरोफाइट कहलाती। स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं, स्पोर से बनता है गैमीटोफाइट जो गैमीट बनाता है जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूं पहले, फिर आगे की कहानी बताऊं। लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। अभी मैंने तीन बताए थे, आपको याद हो तो, ब्रायोफाइट तीन क्लासेस, ये क्लासेस हैं। नंबर वन हिपेटिकॉप्सिडा, हिपेटिकॉप्सिडा। हो सकता है आपके बुक में ये नाम ना दिए गए हो, लेकिन टाइप जरूर दी गई है। इनके अंदर सारे लिवर वर्ड्स आते हैं। लिवर को, आपका जो लिवर है उसे भी अंग्रेजी में, बायोलॉजी में हेपेटो कहते हैं, तो लिवर जैसे हैं इसलिए इनको लिवर वर्ट कहा, लिवर वर्ड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, रिक्सिया, मार्केंशिया। आप इसे मर्चेंटिया कहते हैं, लेकिन यह है मार्केंशिया। पैलिया, पीई डबल एल आई ए, ये तीन एग्जाम्पल बते रहे हैं। अगला एंथोसिरोटोप्सिडा, अगर टफ लग रहा है एंथोसिरोप्सिडा पढ़ लीजिए, एंथोसिरो, CEROPSIDA। इसमें हॉर्न वर्ड्स आते हैं। हॉर्न वर्ड्स एग्जाम्पल दे रहा हूं इसके भी, एंथोसिरोस, किसी भी एग्जाम्पल को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए। तीसरी ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, कहीं कहीं इसको मस्की भी कहते हैं।
इसके अंदर मॉसेस आया करती हैं, इन्हें मॉसेस कहते हैं कॉमनली। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, जिसका दूसरा नाम है कॉर्ड मॉस। एक और एग्जाम्पल है स्फैग्नम, जिससे कोयला बनता है, स्फैग्नम। पॉलीट्राइकम, POLYTRICHUM। अब इतने सारे पढ़ाने के भी क्या फायदा है, समझ में आना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया मुझे मालूम है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, मैं ही कह दे रहा हूं आपकी तरफ से। ब्रायोफाइटा डिवाइडेड इनटू थ्री। आप ये ऊपर की क्लास ना पढ़ना चाहें तो फिर क्या कहेंगे? लेबरवर्ट, हॉर्नबर्ट, मॉसेस। क्लास पढ़ना चाहें तो हिपेटोप्सिडा, एंथोसरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। आपकी मर्जी है, आप जो चाहें पढ़े, कोई रोक नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। इनका हैबिटेट, हैबिटेट, आदत, स्वभाव और रहने की जगह, तो दे आर फाउंड इन, या एज लिखो, डेंस पैचेस। And thick mats, घास जैसी, पहाड़ों पर भी, चट्टानों पर भी, thick mats या बड़े बड़े patches की form है। मॉस का मतलब ये होता है कहाँ? In moist, damp, cold and शेडी प्लेसेस, यहां पर ये पाए जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, व्हाई आर ब्रायोफाइट्स फाउंड इन डेंस पैचेस? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसलिए ये डेंस पैचेस में पाया जाता है। मैं यहां नोट लिख दे रहा हूं आपके लिए, ब्रायोफाइट्स आर फाउंड इन डेंस पैचेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये रीजन समझ में आ गया होगा आप सभी को, नहीं आया तो मैं दोबारा बताने वाला नहीं हूं, इतनी छोटी छोटी बातें। अरे बड़े हो गए हो भाई, देखो अच्छा स्क्वायर नहीं खींचा, दोबारा खींच दूंगा भाई। अब सुंदर लग रहा है। तो अब लिवर वर्ट और मॉसेस का जिक्र करना है। सबसे पहले क्यों ना मैं लिवर वर्ट की जानकारी दूं, उसके बाद मौसी जी भी पढ़ा दी जाएंगी, फिर उसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ा दी जाएगी। बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, एक साथ कंपेयर कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लीजिए, बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर,
एक तरफ लेबर वर्ड का बताऊंगा, और एक तरफ मॉसिस का बताऊंगा। अभी समझ में आ जाएंगे दोनों। तो लेबर वर्ड का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेबर वर्ड का जब भी मैं जिक्र करूंगा तो आपको मैं थैलस बताऊंगा, मार्केशिया का, समझे, या रिक्शिया का। आपकी बुक में भी सुंदर सा इसका डायग्राम बना हुआ है। आप बुक की क्यों मानोगे, आप वर्मा सर का डायग्राम मानोगे। लीजिए, आपके सामने आ रहा है इसका डायग्राम। हाँ जी, लेबर वर्ड एग्जाम्पल मान के चलो, मार्केशिया दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसी पत्तियां सी पड़ी रहती हैं, हो तो क्या है ये, यही जाने। ये लीफ सा स्ट्रक्चर है, इस लीफ जैसे स्ट्रक्चर में कुछ कप पाए जाते हैं जिन्हें गैमा या जैमा कप कहते हैं। ये भी रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। अगर ये मेल है तो इसमें एंथ्रेड या फोर बनेगा, अगर ये फीमेल है तो इसमें आर्चिगोनियो फोर बनेगा। ये मैं फीमेल बना रहा हूं तो फीमेल का स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहां दिखाऊंगा इसके अंदर। ये लीजिए, ऐसे कर, ये जो फूल सा बनाया है, फूल नहीं है ये, आर्चिगोनियो फोर है। ARCHEGONIOPHORE। इससे सिद्ध होता है कि ये फीमेल है। तो मार्केशिया का डायग्राम है ये, मार्केशिया। फीमेल थैलस, इसमें नीचे ये रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको, अलग कलर से शो कर रहा हूं। ये रूट नहीं है, ये राइजोइड्स हैं, बहुत सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये है राइजोइड, ये रूट लाइक होते हैं देखने में। जो मैंने बनाए वो गैमा या जैमा कप थे, इसके ऊपर जो बने हुए थे ये वाले GEMM कप। सर इन जैमा कप्स में होता क्या एग्जैक्टली? सारा डिटेल बताऊंगा, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं मेरे बच्चे। ओके सर। तो ये इसका डायग्राम बनाया मैंने, अब आपको दूसरे का भी डायग्राम देखना है। अब आपको मोसिस का डायग्राम बना के मैं आपको दिखा रहा हूं। लीजिए मोसिस का डायग्राम। मोसिस का डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो पहले उसका एक मेन एक्सिस बनाता हूं नीचे की ओर, स्टेम जैसा। वो स्टेम है नहीं, ये स्टेम जैसा है। इससे ये मेन एक्सिस है, इससे इसमें से भी हेयर्स निकले रहते हैं। ऐसे लग रहा है कि ढेर सारी जड़ें निकल रही हैं, लेकिन आप इन जड़ों का नाम क्या दोगे?
राइजोइड्स राइजोइड्स, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों, इस राइजोइड यानी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। मैं यहां बना रहा हूं ये, ऐसे लग रहा है पत्तियां हैं, लीफ लाइक है ये, लीव्स भी कह दीजिए इनको, इनमें लीव जैसी बननी शुरू हो गई। और फिर इसमें ऊपर से यहां से एक कैप्स्यूल निकला करता है, उसका भी मैं डायग्राम बना रहा हूं ऐसे। और जो आगे ऐसे फूल सा जाता है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल का ये नीचे का पार्ट है, सीटा। ये है लीव्स। इतना हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है, जहां पत्तियों तक वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये अलग है, और ये जो कैप्सूल वाला हिस्सा है ये अलग है। ऊपर वाला हिस्सा इसका स्पोरोफाइट है, इनमें स्पोर बनेंगे कैप्सूल के अंदर, और नीचे वाला हिस्सा गैमेटोफाइट है या गैमीट्स बनेंगे। तो आपने देखा पौधे जैसा होने लगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम, मॉसेस में जो एग्जाम्पल दिया है, ये फ्यूनेरिया है, FUNARIA। डायग्राम बहुत समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के बारे में मैं कुछ बात करूं। पहले वाले को देखिए तो थैलस इज यूजुअली प्रोस्ट्रेट, यानी डोर्सी वेंट्रली पड़ा हुआ है। डोर्सल साइड हमारी आगे की साइड होती है, पीछे की साइड होती है, और वेंट्रल साइड हमारी आगे की साइड होती है, जिधर हमारी नाक होती है वो हमारी वेंट्रल साइड। आप जब बेड पे जब लेटा करते हैं तो कौन सी साइड से लेटा करते हैं, आप बताइए? डोर्सल साइड। सर्वेंट और वेंट्रल साइड आपकी पंखे की तरफ होती है, आप पंखा देख रहे होते हैं वेंट्रल साइड से। बात समझ में आ गई? ओके सर। तो ये डोर्सो वेंट्रली है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये किसी भी चीज पे चिपका हुआ है पूरा का पूरा। और इसके थैलस में देखिए, पहले वाले के में मार्केशिया में ही देखिए, फोकस करिए। एंकर्ड विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड दैट कैन बी यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर, और इनके ऊपर में भी हर मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन थैलस पे, जैसे आर्चिगोनियो फोर का। लेकिन मैं मॉस की बात करूं, मैं फ्यूनेरिया की बात करूं, तो थैलस इज डिफ्रेंसिएटेड इंटू रूट लाइक राइजॉइड, नजर आ रहे हैं नीचे, इनमें ब्रांच भी हो चुकी है। और सिलेंडर शॉर्ट स्टेम एक्सिस, यानी एक्सिस जो दिखाया, और लीफ लाइक स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। डायग्राम समझ में आ गया ना आपको बिल्कुल क्लियरली दोनों का?